What's up guys, welcome back। चलिए आज आप लोग हमारे साथ देखिए स्पार्की के साथ अब तक हमारा जर्नी कैसा रहा, सम अनसीन वीडियोस ऑफ स्पार्की जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब हम पहली बार स्पार्की को घर लाए थे। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल, कुमसुम तराहने चुपके गाए आधी आधी बाट ले, जा दिल की ये समी। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ही आशियां इतनी सी हंसी। हम सब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि एक पपी लाते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट रेडी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर पे पेट आए और मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाऊँ। वन फाइन संडे मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ टू गेट अ पपी और मैंने मिताली और मिली के साथ अपना ये फीलिंग शेयर किया और हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए उसी दिन पपी देखने गए बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड। इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाबुगी तिनको से जल बनाए आशिया। I've always dreamed of having a friend that loves me like you do. You wake up happy every morning and take away my blues. वहाँ हमने जब पहला पप्पी देखा, एक छोटा सा क्यूट सा डरा हुआ एंजल जो मेरे लेते ही मेरे गले लग गया, एंड दैट वॉज द मोमेंट वी डिसाइडेड कि हमें और किसी को नहीं देखना। उसकी आंखें, उसका टच, उसका बॉडी लैंग्वेज से वो हमें ऐसा फील करवा रहा था जैसे वो हमें बोल रहा है, अब मुझे यहाँ से ले चलो घर। और बस हम उसे घर लेके आ गए। For you it's like a thousand hours, I swear it's just been four. I wish that we could have a conversation time to time. शुरू का जो एक दो दिन था वो बहुत वीक था, लेकिन ग्रेजुअली वो काफ़ी एक्टिव हो गया। उसके बाद जैसे कि हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने हमारे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। उसके आने के बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। इसके पहले हम काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थे, लेकिन उसके आने के बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगे और आपस में भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। हमारा बस चलता तो हम उसे ऑफिस भी लेके जाए। हमें ऑफिस ख़त्म होने का इंतज़ार रहता था कि कब हम जल्द से जल्द घर जाएं और उसके साथ खेलें। हम लोग आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके यही पूछते हैं
क्या उसने खाना खाया, क्या वो खेल रहा है, क्या वो सो रहा है, बस वो क्या कर रहा है वही जानने का मन करता था।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 आजकल तो हमारा दिन बस उसी के साथ शुरू होता है और उसी के साथ ख़त्म। देखा जाए तो इस पैंडमिक में अगर कुछ सबसे अच्छा हुआ हो हमारे साथ तो वो है स्पार्की के साथ पूरा दिन रहना। अब तो हम 2 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं तो उसको बेचैनी सी होने लगती है। हम तीनों में से कोई भी बाहर जाए तो वो बस दरवाजे के सामने ही बेसब्री से हमारा इंतज़ार करता रहता है, और जैसे ही हम वापस आते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Sparky और Sparky जैसे बहुत सारे डॉग्स ने हमें लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल लेसन सिखाए हैं, जैसे कि किसी को अनकंडीशनली लव कैसे किया जाता है, किसी की तरफ लॉयल कैसे रहा जाता है, किसी का गुस्सा पल भर में कैसे कम किया जाता है, किसी को अपने क्यूटनेस एंड एडोरेबल स्माइल से कैसे पिघलाया जाता है, कैसे खुश रहा जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ऑन ए सीरियस नोट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको अपने घर पेट रखना चाहिए, क्योंकि पेट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। तो अगर आप पेट ला रहे हो तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो है आप उसको एक फैमिली का हिस्सा समझो, ना कि सिर्फ एक डॉग जैसा ट्रीट करो। अनडाउटेडली पपीज बहुत क्यूट और एडोरेबल होते हैं, लेकिन आप सिर्फ यही देखकर उसे अपने घर मत लाइए, क्योंकि घर लाकर अगर आप उसका ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगा और ना ही आप रहोगे। हम अपने लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन छोटे छोटे पल। बट स्पार्की के आने के बाद हमने सीखा है कैसे ये छोटी छोटी खुशियाँ इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होते हैं। अगर हम नॉनस्टॉप बोलते रहे तो भी पूरा दिन कम पड़ेगा, पर स्पार्की से रिलेटेड बातें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो भी थोड़ी बहुत हमने आप लोगों के साथ शेयर किया वो हमारा जेन्युइन फीलिंग्स है, जिसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बट आई बिलीव इससे डॉग लवर्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इस फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। खैर, काफ़ी बातें हो गई स्पार्की के बारे में, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सी यू ऑन संडे विद समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर।